हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गुजराती फेमस स्नैक्स रेसिपी सेव खमनी। सेव खमनी ये एकदम टेस्टी और सिंपल रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आइए बनाना शुरू करते हैं सेव खमनी की रेसिपी। गुजरात की फेमस स्नैक्स रेसिपी सेव खमनी बनाने जा रहे हैं। एक कप हमने चना डाल लिया है जिसे हमने रात भर भिगो के लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी अच्छे से भीग चुकी है तो हम इसे मिक्सर के जार में डाल देते हैं। इसे हमें पीसना है। इसका पानी हमने पूरी तरह से निकाल लिया है। अभी इसमें हम डालेंगे ये 8-10 हमने लहसुन की कलियाँ ली है, 1 इंच अदरक का पीस लिया है और 4 हमने हरी मिर्चें ली है, ये इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए हमने दाल को अच्छी तरह से पीस लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से दाल हमारी पीसनी चाहिए। अभी इसमें हमें बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/8 चम्मच हम हींग डालेंगे। ये देखिए एकदम थोड़ा सा ही हींग डालना है। नमक हम स्वादानुसार लेंगे, जो मैंने 1 टीस्पून लिया है। और ये 4 चम्मच हमने पाउडर शुगर ली है, ये इसमें ऐड करेंगे। और 1 चम्मच हमने नींबू का रस लिया है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्नैक्स रेसिपी टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है और हेल्दी भी है, क्योंकि वो दाल से बनती है। हमने इनो का एक ब्लू कलर का सेच लिया है, ये रेगुलर वाला रहता है। आप दूसरा किसी भी लिया तो उसको अपना फ्लेवर रहता है, इसलिए आप ब्लू ही यूज़ करिए, या बेकिंग सोडा भी आप डाल सकते हो 1 चम्मच। आइए पहले हम ये इनो इसमें डाल देते हैं। इसके ऊपर हम ये थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और इसको इसी डायरेक्शन में इसको हिलाएंगे। ये देखिए आप खुद ही देख सकते हो कि हमारे आटे का टेक्सचर कितना चेंज हो चुका है। पूरी तरह से इसमें मिक्स करेंगे और अभी हम इसे स्टीम करने के लिए रखेंगे। ये मैंने पहले ही गैस के ऊपर स्टीमर रख दिया था, उसमें पानी डाल के अभी हम ये जो ढोकले जैसा हम बना रहे हैं चने के दाल का, उसको हम इसमें रखेंगे और 10 मिनट हम इसे स्टीम होने देंगे। ये हमारे दाल को रख के 15 मिनट हो गए हैं। अभी हम इसका ढक्कन निकाल के चेक करते हैं कि हमारा ढोकला बना कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ढोकला पूरी तरह से बन चुका है। अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे अच्छे से पूरा ठंडा होने देते हैं। ये देखिए हमारा ढोकला इस तरह से स्पॉन्जी बना है, तो अभी हम इसको इस तरह से किसने से किस लेते हैं। किसने से किसना इसलिए ज़रूरी है, क्या इसलिए अच्छा रहता है कि उससे लम्स नहीं रहते हैं, सभी पूरा एक तरह का चूरा बन जाता है। ये देखिए तो वो दिखने में भी अच्छा दिखता है और खाने में भी सब जगह एक जैसी टेस्ट आती है उसकी। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी इस तरह से हमने ये सब चूरा कर लिया है। अभी हम उसको तड़का लगाते हैं। अभी जो चूरा हमने बना के लिया है उसको तड़का देने के लिए हमने लिया है 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, ये धनिया पत्ती है, 1 चम्मच हमने राई ली है, 1/2 चम्मच हमने तिल लिया है,
तीन चार हमने हरी मिर्च ली है, 8-10 कड़ी पत्ता लिया है, नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे, 1 टीस्पून पाउडर शुगर लिया है, 1/8 टीस्पून हम हींग लेंगे, पानी लगेगा हमें 1 कप, जिस कप से हमने दाल मेजर की थी उसी कप से 1 कप हम पानी लेंगे। और ये कुछ डेकोरेशन के लिए हमें लगेगा, इसमें ये अनारदाना है और बारीक वाली सेव है। तो आइए तड़का लगाना शुरू करें। तड़के के लिए हम पैन रखेंगे, उसमें हम ये 3 टेबलस्पून ऑयल डाल लेंगे। ऑयल इस रेसिपी के लिए थोड़ा ज़्यादा लगता है। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे, फिर इसमें राई और तिल डालेंगे। ये थोड़ा ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें हम ये राई डालते हैं। तिल डालेंगे, ये 1 टीस्पून हम हींग डालेंगे। कई पत्ते को हमेशा तोड़ के डालेंगे। हरी मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च को हम थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए तेल में फ्राई होने देंगे। अभी हम इसमें ये पानी ऐड करेंगे। ये हमने 1 कप पानी लिया है, 1 टेबल स्पून हमने पाउडर शुगर लिए है वो ऐड करेंगे, और नमक हम स्वाद अनुसार ऐड करेंगे, जो मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। देखिए अभी जो तड़का हमने बनाया था, तड़के का पानी उसको उबाल आ चुका है। अभी हम उसमें थोड़ा थोड़ा करके ये जो हमने चूरा बना के लिया था ढोकले का, वो डालेंगे, धीरे धीरे से उसमें ऐड करेंगे। इसके साथ में ही थोड़ा धनिया पत्ती भी हम इसमें ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। से 5 मिनट के लिए हम उसको ढक्कन रखते हैं उसके ऊपर। ये देखिए ये हमारी खमनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और उसे डेकोरेट कर लेंगे। खमनी पर हम धनिया पत्ती डालेंगे, फिर ये बारीक वाला सेव डालेंगे। ये सेव बहुत अच्छा लगता है इसके साथ में। ये एकदम 0 साइज का सेव है। और फिर यह अनारदाना डालेंगे से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा दिख रहा है हमारा सेव खमनी का रेसिपी, और ये टेस्ट में भी उतना ही अच्छा बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके कमेंट्स आप मेरे चैनल पे डालिए। ये हमारी सेव खमनी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।